गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नारायणा क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 9 हिंदी में आज हम दो पाठ हमारे धर्म की आड़ और अतिथि तुम कब जाओगे, दोनों पाठों का अभ्यास हम करेंगे, रिवीजन हम करेंगे। यहाँ पहला प्रश्न है, धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है, धर्म के चिन्ह कौन कौन से वो हमें बताना है। शुद्ध आचरण और सदाचार धर्म के दो स्पष्ट चिन्ह है। शुद्ध आचरण हमारा व्यवहार और हमारा आचरण, उसके ऊपर हम कितना कार्य करते हैं, वो दोनों ही धर्म के चिन्ह है। दूसरा प्रश्न है, आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है वो हमें उत्तर में बताना है। आज धर्म के नाम पर जिद और उत्पात किया जा रहा है, केवल जिद की जा रही है और उत्पात किया जा रहा है, अर्थात लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, धर्म के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था। हाँ, लेखक के अनुसार ऐसा कौन सा दिन था जो स्वाधीनता आंदोलन का सबसे बुरा दिन था। लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का वह दिन सबसे बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में विभिन्न धर्मों को स्थान दिया गया था, जिस दिन धर्म अनेक धर्म अलग अलग धर्मों के लोग उसमें शामिल हो गए, उस दिन जो है स्वाधीनता आंदोलन का दिन सबसे बुरा दिन माना गया। कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो धार्मिक लोगों से भी अधिक अच्छे हैं। हाँ, जो लोग धर्म की आड़ लेकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करने वाले धार्मिक लोगों से नास्तिक आदमी जो है अच्छे। हाँ, धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं उन लोगों से जो लोग नास्तिक है, नास्तिक अर्थात जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, वो लोग उन लोगों से अच्छे हैं जो लोग दूसरे लोगों का अपने स्वार्थ के लिए फायदा उठाते हैं। अगला प्रश्न है, चलते पुरजे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं। चलते पुरजे लोग जो है वो धर्म के नाम पर क्या करते हैं। चलते पुरजे लोग धर्म के नाम पर मूर्ख लोगों के शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। जो लोग केवल उन्हीं के अधीन हो जाते हैं, वो लोग उनकी जो शक्तियां उनका दुरुपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कलनर की तारीख किस तरह फड़फड़ा रही। हाँ, ये अगले पाठ का है, अतिथि तुम कब जाओगे किसे है, कलनर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही थी। उत्तर है, कलनर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही थी, नम्रता के साथ जो है फड़फड़ा रही थी। अगला प्रश्न है, दोपहर के भोजन में कौन सी गरिमा प्रदान की गई। हाँ, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई, अर्थात लंच जो है दोपहर के भोजन को नाम दिया गया। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा, जब अतिथि को तीसरा दिन घर पे हो गया था तो उसने क्या कहा। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा कि वह अपने कपड़े धुलवाने के लिए धोबी को देना चाहते हैं। हाँ, 3 दिन हो गए थे रहते हुए, तो कपड़े धुलना स्वाभाविक है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने कपड़े धुलवाने के लिए धोबी को देना चाहता हूँ। सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। हाँ, अतिथि सत्कार 1-2 दिन का होता है, तो अधिक दिन जब अतिथि रहे तो कहा कि सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। सत्कार की सीमा अर्थात उष्मा समाप्त होने पर लेखक लंच और डिनर से नीचे उतर आए, उसके स्थान पर क्या मिलने लगा उन्हें, खिचड़ी, हर समय जो है खिचड़ी पर आ गए। अगला प्रश्न है, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया, जब अतिथि आए थे उस समय उनका स्वागत दोनों ने कैसे किया। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत प्रसन्नता पूर्वक किया, तत् बहुत ही खुश होकर के दोनों ने उनका स्वागत किया। धन्यवाद, आज कक्षा में इतना ही।